ठीक करके एक पंक्ति देती है या फिर के लिए है। सबसे पहले हमारा जो है पानी वहाँ से जो है इस हमारे बने हुए टैंक में आता है, टैंक से दूसरा हमारा मोटर लगा हुआ है जो इसके थ्रू हमें भी हमारी लाइन है। जरबेरा देखिए, पहले पुणे से आता था हमारे यहाँ, जो टोटल पूरे इंडिया में सप्लाई होता था, लेकिन अब हमारे यहाँ इतना पर्याप्त होने लगा है। अब इसमें जो हम पॉली हाउस बनाते हैं तो इसमें हम अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। हमें अगर टेम्परेचर ज्यादा करना होता तो उसको भी बढ़ा लेते हैं, टेम्परेचर कम करना होता तो दोनों व्यवस्था है। इसमें हम फॉगिंग करा देते हैं और इसके पौधों को सिंचाई के लिए ड्रिप इरीगेशन लगा हुआ है, तो पानी अगर इसमें ज्यादा भर जाता है तो नुकसान करता है। जो ड्रिप से पानी दे रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार कोई नुकसान की संभावना नहीं रह जाती है, इसलिए हमें अब कोई दिक्कत नहीं। जो पुणे में है उससे भी ज्यादा बेटर हमारा जो है फोलिया पैदा हो रहा है, क्योंकि वहां से फूल आते आते थोड़ा डैमेज होता था, अब यहां का फूल बिल्कुल फ्रेश जाता है, मार्केट में 6 से 5 घंटे के अंदर पहुंच जाता है, तो इसकी डिमांड ज्यादा है। उस फूल की अपेक्षा हमारे जो यहाँ का प्रोडक्ट है वो अच्छा है। जी, हमें जरबेरा के बारे में इंटरनेट के थ्रू मिला, लेकिन यहाँ उन्नाव में जाकर के जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है हम वहाँ मिले, वहाँ के अधिकारियों ने हमको बताया कि इसके बारे में, और इसके बारे में गवर्नमेंट भी हमारी हेल्प करता है इस खेती को करने में। बना है उन्नाव के किसानों के लिए वरदान, जरबेरा की खेती करके किसानों के चेहरे जो है खिले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसमें मुनाफा काफी अधिक संख्या में होता है। लगभग सालाना बात करें तो 24 से 30 लाख रुपए का मुनाफा किसान यहां से उठा रहे हैं। खास बात यह है कि अभी तक ये जरबेरा पुणे में ही होता था, लेकिन उन्नाव के किसानों ने इसको उन्नाव में उगाना शुरू कर दिया है और सरकार भी उनकी पूरी मदद कर रही है। उन्नाव से वीरेंद्र यादव, ईटीवी भारत।